क्या पढ़ा, जो लिखा हुआ रहता है वो पढ़े, क्या हमको अपन पर समझ रहे हैं क्या गवार। जो भी समस्या रहेगा हमारे क्षेत्र का मोकामा का, उसका हम सवाल उठाएंगे। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने के बाद बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने आज विधायक पद के लिए शपथ लिया। इस दौरान उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नीलम देवी को बधाइयां दी। वहीं तेजस्वी यादव से जब नौकरी से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर जवाब भी दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग हर डिपार्टमेंट में नौकरी दे रहे हैं, हम अपना लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उसे देखकर केंद्र भी नियुक्ति पत्र बांटने लगी है। तेजस्वी ने कहा कि ये काफी अच्छी बात है कि नफरत फैलाने वाली पार्टी भी अब नौकरी की बात करने लगी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने आंकड़ा दिया कि इतने रिक्त पद है, इतने बहाली होंगे, लेकिन केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि वे लोग कितनी नौकरी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम बिहार में 12 करोड़ की आबादी में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार दे रहे हैं तो उस हिसाब को केंद्र को कितनी नौकरी देनी चाहिए यह भी बताना चाहिए। वहीं लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव महीने के अंत तक चले जाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम कुढ़नी उपचुनाव के प्रचार में भी जाएंगे। जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि सीटीईटी और बीटीईटी पास अभ्यर्थी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।